हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीति गले में वेलकम है। और आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरह गीजर की हम देखभाल करें। तो उसके लिए हम, जैसे सर्दियों में हमें गर्म पानी चाहिए होता, अगर गर्मियों में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम अपने गीजर को मतलब उसका सही रख सके, उसको ज़्यादा टाइम चला सके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जो पाइप होते हैं उसको हमें खोल देना चाहिए। अब जैसे ये मेरा गीजर है, ये इंस्टेंट गीजर है, किचन के अंदर लगा हुआ है, तो इसमें मैं इसके पाइपों को खोल के रख दूंगी, जिससे कि इसमें पानी का प्रवाह ऊपर नहीं जाए। इस तरह दोनों साइड में इसके जो पाइप होते हैं, दोनों तरह से मैं खोल रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये खोलते हुए दिखा रहे हैं भैया। तो ये इसका पानी जो अंदर भरा हुआ नीचे, ये लीक होता जा रहा है। तो इससे ये होगा कि हमारे जो अंदर जो मतलब फ्लोराइड का जो पानी आता है वो उसमें जमा ना हो, इसके मतलब गीजर में। और जमा होने से क्या होगा कि फ्लोराइड के एलिमेंट होते हैं, इसके जो थर्मास्टिक होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और फिर हमें हर बार इसका ये सही करवाना पड़ता है, और इसके लिए अलग से हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये मैं सेफ्टी, आपकी गीजर की सेफ्टी के लिए टिप्स बता रही हूँ। तो गर्मियों में आप इसको इस तरह से खोल के रख दीजिए अपने, और सर्दियों में जब आपको जब अब लगाना हो तो वापस से ये नल का जो पाइप है इसमें अपने इसमें नल में जोड़ दीजिए और इसको रख दीजिए। और इसका जो मेन स्विच होता है बिजली का, वो भी निकाल देना चाहिए, ताकि अपना ये पानी से करंट वरंट का भी दिक्कत ना हो। तो आज आपको समझ में आ गया होगा ये टिप्स किस तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊंगी, तो देखते रहिए मेरा चैनल प्रीति गैलरी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो कुछ आपको इसमें कहना हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जानिए। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।